हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं लाया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट आप लोग के लिए। काफ़ी दिन से लोग कमेंट कर रहे थे कि कोई बाइक वाला, मतलब एक्सट्रीम परफॉर्मेंस बाइक वाला कंटेंट नहीं आ रहा है। तो अब ये रही निंजा 400 मेरे पीछे, एंड इसको अभी चलाएंगे, टेस्ट करेंगे, थोड़ा भगा के देखेंगे। बिकॉज निंजा 400 बहुत ही रेयर बाइक है, कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है, प्रीमियम बाइक है थोड़ी। जिनके पास है उनको इसकी परफॉर्मेंस का आइडिया है कि किस लेवल की परफॉर्मेंस ये ऑफर करती है। ये ड्यूक को 100 के बाद बहुत ईजिली बीट कर सकती है। बाय द वे, बहुत चीज़ें इसमें कस्टम लगी है, दिखाता हूँ। तो जो फर्स्ट चीज़ है, ये ऑस्टिन रेसिंग एग्जॉस्ट दिख रहा है आपको। ये स्लिप ऑन है एक्चुअली, यहाँ तक स्टॉक बेंड पाइप है, उसके बाद एक स्लिप ऑन एग्जॉस्ट लगा है ऑस्टिन रेसिंग का। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो इसकी ये लाइट्स हैं, एंड ये भी कस्टम है, नीतीश भाई ने बाहर से मंगाई है ये रेस डायनेमिक्स में, जो कि काफ़ी कूल लग रही है, मतलब देख के मज़ा ही आ जा रहा है। और अंदर ये हल्का सा ग्रीन टच हमेशा जलता रहता है। एंड बाय द वे, डुअल प्रोजेक्टर है, जो आता नहीं है इस बाइक में स्टॉक, बट ये भी लगवाया हुआ है इस बाइक में, एंड बहुत ही खूबसूरत लग रही है कावासाकी ग्रीन में ये। बाइक की बात करें तो पीछे के मतलब पीछे काफ़ी कंफर्टेबल है बाइक, बिकॉज काफ़ी सेफ है ये, पकड़ने वाला काफ़ी अच्छा दे रखा है। बट मुझे पता है जो मेरे ऐसे लड़के हैं वो ये सब निकाल देंगे। आगे निसिन के डिस्क ब्रेक एंड ब्रेक कैलिपर्स, पीछे भी सेम निसिन के, एंड ब्रेकिंग मुझे अच्छी लगी इस बाइक में पर्सनली। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं, एंड मैं चलाते हुए बताता हूँ आपको, भगा के देखते हैं थोड़ी बहुत बाइक और देखते हैं कैसी ये परफॉर्म करती है, क्या ये ड्यूक 390 से तेज़ है या धीरे। ऐसे नहीं वीडियो शुरू ऐसे नहीं करेंगे। वीडियो इस बार मेरे हाथ से शुरू नहीं, इसकी आंखों से शुरू होगा। बेहतरीन पंच आ रहा है इस बाइक में, मतलब मजा ही आ जाए। तो अभी थोड़ी सी राइड करी मैंने, अब इस व्लॉग को स्टार्ट करने का टाइम आ चुका है। एंड बहुत ही खूबसूरत बाइक है आज मेरे पास, निंजा 400। ओके, सो ग्रीन बीस तैयार है हमारी निंजा 400, एंड पावर में हर चीज़ में ये ड्यूक से ज़्यादा है। बट इनिशियली ये थोड़ी सी मतलब वो होगी ड्यूक से स्लो, बिकॉज ड्यूक का वेट भी कम है इससे, एंड सिंगल सिलेंडर, ये डुअल सिलेंडर, बट टॉप एंड इतना स्ट्रॉन्ग होगा ना इस बाइक का कि मज़ा आ जाएगी आपको। चल गया
लगा कि इस बाइक का टॉप एंड बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। एंड अगर स्पीडोमीटर की बात करें तो सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करता है, गियर पोजीशन इंडिकेटर नेगेटिव डिस्प्ले है। एंड अगर आरपीएम की बात करें तो 15,000 आरपीएम तक का मीटर दे रखा है इस बाइक में। अगर मिरर्स की बात करें तो मिरर्स काफ़ी अच्छा फील्ड ऑफ व्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, आरएस की तरह है थोड़े थोड़े। अगर इसको निंजा 300 से कंपेयर करते हैं तो इसमें पावर काफ़ी बम्ड अप लग रही है और बाइक काफ़ी लाइट फील हो रही है उसके कंपेरिजन में। तो चल के एक राउंड ले लेते हैं और मैं बताता हूँ आपको कि मुझे चलाने में ये पर्सनली कैसी फील हो रही पावर और परफॉर्मेंस के बारे में। बाकी जो पावर फिगर्स है ना वो डिस्प्ले हो रहे हैं, आप देख सकते हो, मैं आपको वो बताऊंगा जो मुझे फील होता है, बिकॉज तुम्हारे भाई के पास चलाने के स्किल्स हैं। बहुत बढ़िया चल रही है और मुझे लगता है ट्रैक पे ये परफॉर्म भी अच्छा करेगी। बाइक उतनी इंगेज नहीं है बट स्टिल काफ़ी अच्छा चल रही है, मतलब थोड़ी कंफर्टेबल सीटिंग पोस्चर वाली बाइक है ये। इसका डायरेक्ट राइवल न्यू 390 एंड एक्चुअली आरसी 390 बहुत क्लोज होगी इसके। पर्सनली बाइक काफ़ी पसंद आई, अगर इसका प्राइस थोड़ा और कावासाकी कॉम्पिटिटिव लगता तो ये बाइक डेफिनेटली बहुत ही बड़ा हिट होती, बिकॉज बाइक में बहुत ही पावर बहुत ही जान है, बाइक में एकदम खूनखार राक्षस की तरह दहाड़ रही है। एंड कावासाकी टू सिलेंडर यू नो कितना अच्छा होता है, निंजा 250 300 सब कितनी प्यारी बाइक्स थी। और एक्चुअली ये 6000 के बाद ऐसा शाइन करती है ना, मतलब 6000 आरपीएम तक ये आपको स्लोली खींचेगी, उसके बाद ये पुल हो जाएगी अपने आप, और ऐसा भी हो सकता है कि वीली पुल कर ले बाइक अपने आप, इतनी पावर है इसमें। तो ये था एक छोटा सा व्लॉग इस बाइक पे। आगे थैंक यू शूट करने आया था। हाँ ये शूट कर रहा है निंजा पे। तो मैं एग्जॉस्ट का साउंड सुना देता हूँ आपको। तो ये था इसका एग्जॉस्ट नोट, कमेंट में बताना कैसा लगा आपको इसका एग्जॉस्ट। तो ये था निंजा 400 पे व्लॉग एंड उम्मीद करते हैं आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है। अभी इस पर फोटोशूट होने वाला है एंड फोटोशूट की जो जितनी भी फोटोज होंगी सब आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी इस बाइक की, बिकॉज लाइट चेंज है तो बहुत ही कूल आने वाली है। तो बस इस व्लॉग को फिनिश करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, राइड सेफ, वेयर हेलमेट एंड बाय।